आज मैं आपके लिए एकदम नरम सॉफ्ट स्पंजी व्रत उपवास स्पेशल काजू के दही बड़ा की एकदम नई रेसिपी लाया हूँ। व्रत हो, उपवास हो या कोई भी त्यौहार हो, जब कुछ ठंडा स्वादिष्ट और हेल्दी खाने का मन हो तब आप काजू के दही भले बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें 2-3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। देखिए मेरे बल्ले कितने स्पंजी सॉफ्ट अंदर से जालीदार बने हैं। इस तरह अगर मैंने बताए हुए सारे टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके दही बल्ले एकदम परफेक्ट नरम बनेंगे और आप उड़द दाल के, मूंग दाल के दूसरे जो दही बल्ले बनाते हैं हमेशा, उनको बनाना भूल जाएंगे। तो बिना देरी किए एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी काजू के दही बल्ले बनाने की रेसिपी बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउल के अंदर 1 कप काजू लेंगे। हमें एक काजू जो फाड़ आती है वो वाले 1 कप काजू ले रहे हैं। इसमें लगभग 100 से 120 ग्राम के लगभग काजू आते हैं। इनको क्या करना है, सबसे पहले पानी से अच्छी तरह से हमको वॉश करना है, धोना है, ताकि इनके ऊपर जो कलर लगा होता है, जो प्रिजर्वेटिव लगे होते हैं, वो निकल जाएंगे और इनका कलर थोड़ा सा अच्छा सा वाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से करने के बाद हम इनका पानी निकाल देंगे और इनको अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरा पानी डाल करके कम से कम 2 घंटे के लिए इनको भिगोएंगे, क्योंकि हमको भिगे हुए सॉफ्ट काजू चाहिए। तो भिगो के इनको 2 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। 2 घंटे बाद हम इनको वापस निकालेंगे। तो लगभग 2 घंटे हमारे हो चुके हैं और हमारे काजू जो है वो भी अच्छी तरह से फूल गए हैं और नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनका जो पानी है वो हम निकाल देंगे और पानी निकाल करके इन काजू को हमको पीसना है, ग्राइंड करना है, इनका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में लेकर के इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े ग्राइंड करने में तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल करके इस तरह का गाढ़ा कंसिस्टेंसी बनानी है। ज़्यादा पतला नहीं कर देंगे, अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमको बड़े बनाने में बहुत तकलीफ होगी। इस प्रकार का कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसको बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें आरारोट मिला रहे हैं, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं अपन, तो व्रत में आरारोट काम में ले सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर है या मैदा है कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए आप आरारोट ही मिलाइएगा। अगर आरारोट नहीं भी है तो हम इसमें जो फराली आटा आता है वो भी मिला सकते हैं, सिंगाड़े का आटा भी मिला सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो हमने ये आरारोट मिला करके इसका अच्छा सा बाइंडिंग के लिए एक बैटर बना दिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमको बनाना है। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फेंटना है। 1 से 2 मिनट तक हम क्या करेंगे, इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटेंगे। दोनों दिशाओं में नहीं फेंटना है, तक अगर दोनों दिशा में करेंगे तो सारी हवा निकल जाएगी। एक ही दिशा में फेंटना है ताकि इसके अंदर अच्छी सी एरिएशन हो जाए, हवा भर जाए, तो हमारा बैटर थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम फराली व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएंगे। व्रत वाला सेंधा नमक डालना है इसको। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो फिर दूसरा नमक डाल सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं तो फिर सेंधा नमक डालना है। और ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें तो हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरे को हाथ से क्रश करके इसके अंदर मिला लेंगे। ये जीरा मिला लिया, जीरा और नमक ही मिलाएंगे बैटर के अंदर। और उसको मिलाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बराबर वापस मिक्स कर देंगे और उसी डायरेक्शन के अंदर फेंट लेंगे। दूसरी डायरेक्शन के अंदर नहीं फेंटना है। ये दही बल्ले जो बनते हैं बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही नई रेसिपी आपको मिलेगी। आप जब भी व्रत हो या त्यौहार हो, इस तरह के दही बड़े बनाइए। आपके जो दही बड़े हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे, नरम बनेंगे और आप दूसरे जो दही बल्ले हैं वो बनाना भूल जाएंगे। अब हम दही बल्ले के लिए, दही बड़े के लिए जो दही की तैयारी है वो पहले करके रख देते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए ये हमने जिगर पे जमाया हुआ दही लिया है, कितना बट्टेदार दही अच्छा जमा है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में कहना, मैं आपको दही जमाने की रेसिपी बता दूंगा। अब हमको दही में शुरू में क्या करना है, 1-2 चम्मच चीनी जिसका बूरा करके हमने लिया है उसको इसमें मिला देंगे और 1-2 बार हल्का सा चला करके इसको थोड़ा सा फेंट करके रख देना है। दही को फेंट करके एकदम अच्छा सा स्मूथ सा दही बन जाएगा, ताकि बाद में अपन जब दही बड़े बनाएंगे तो उनको ऊपर इस तरह की कंसिस्टेंसी का, इस प्रकार का जब एकदम स्मूथ दही होता है दही बल्ले के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा दही तैयार है, इसको साइड में रखते हैं और अब हम दही बड़े फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई करने में कुछ सावधानियाँ हैं। शुरू में हमको थोड़ी सी फ्लेम हाई रखनी है। देखिए हल्का हल्का सा धुआं आ रहा है। हमको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ पे इस तरह से लेना है और डायरेक्ट इसमें डाल देना है।
इसमें इस प्रकार से हम डालते जाएंगे। और एक बार डालने के बाद हमको फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है, शुरू में थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा रखनी, उसके बाद कम कर देना है। इसमें जो दही भल्ले बनते हैं उसमें आगे आगे के मुँह जो है ऐसे थोड़े थोड़े से तिकोने हो जाते हैं, लेकिन इनको हम बाद में थोड़े से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। दूसरा बैच बनाने के लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मिला दिया है। अगर अदरक हरी मिर्च आप व्रत में खाते हैं तो मिलाइए, नहीं तो इस तरह से बना सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च से थोड़ा सा स्पाइसीपन आ जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा बैटर था जिसमें हमने अदरक और हरी मिर्च मिलाया था उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर देंगे। इनको आप बिना दही डाले ऐसे ही थोड़ा सा उसके ऊपर जीरा और काली मिर्च नमक भुरका करके ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमारे जो बड़े ये बने हैं, हमने शुरू में कहा था इनके थोड़े थोड़े से आगे वाले मुँह तीखे तीखे हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके जो आगे वाले जो ज़्यादा क्रिस्पी मुँह हैं उनको हटा सकते हैं। और उसके बाद हमारे बड़े जो है एकदम से तैयार है। इनको हम थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, गर्म पानी, और उसके अंदर इनको कम से कम 10-15 मिनट के लिए सोक करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे बड़े अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इनके ऊपर जो तेल या घी लगा हुआ है, हमने शुरू में बताया नहीं था, आप तेल में या घी में बना सकते हैं। अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप घी में ही बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। व्रत में घी का ही यूज़ किया जाता है, तेल का कम यूज़ किया जाता है। अगर आप तेल वाले खाते हैं व्रत में तो फिर आप तेल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से 10 मिनट हमने इनको अच्छी तरह से पानी में सोक कर लिया है। देखिए हमारे बड़े सॉफ्ट हो गए हैं और ये अंदर से एकदम जालीदार है, देखिए कितने शानदार है। अब हम इनको सर्व करने की तैयारी करते हैं कि दही बड़ों को सर्व कैसे करना है। तो क्या करेंगे, हम इनको दोने के अंदर भी सर्व करेंगे और हम इनको एक प्लेट के अंदर भी सर्व करेंगे। तो सबसे पहले दोने के अंदर जो सर्व किया जाता है वो एकदम लुकिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप जब कोई मेहमान आए घर पे, आपके त्यौहार पर हो या व्रत हो, और जब उन त्यौहार में व्रत में जब मेहमानों को इस तरह से सर्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, इनके ऊपर जो हमने फेंट करके दही तैयार किया है मीठा वाला, वो दही इनके ऊपर डालना है। अब इसके ऊपर भुना हुआ जीरे का पाउडर जो है वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये व्रत के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अगर आप साधारण नॉर्मल बिना व्रत के त्यौहार बना रहे तो आप दूसरे चटपटे मसाले जो हरी चटनी लाल चटनी वो भी मिला सकते हैं। जीरे के बाद में थोड़ा सा हमने सेंधा नमक डाला था, अब थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भुरका रहे हैं ऊपर से, काली मिर्च सेंधा नमक और जीरा ये तीनों, और उसके साथ हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। तो हमारे जो दही बल्ले हैं काजू के दही बड़े जो हैं एकदम परफेक्ट बन करके तैयार है। अब आप इनको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक प्लेट के अंदर भी इस प्रकार से दही बल्लों को सर्व कर सकते हैं, दोनों के अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे दही बल्ले जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको नई नई एकदम परफेक्ट रेसिपी मिलेगी, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। देखिए हमारे दही भल्ले जो बने हैं एकदम परफेक्ट, कितने स्पंजी बने हैं, कितने नरम बने हैं। आप इस मेथड से बनाएंगे तो दूसरे दही भल्ले जो बनाते हैं उनको बनाना भूल जाएंगे। कुछ दही भल्ले जो हमने नमकीन बनाए थे वो ये अदरक और हरी मिर्च वाले हैं।